आज आएगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वे 2024 के मुताबिक विकास दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। बजट से आम आदमी के साथ नौकरी पेशा और किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर के 1,00,000 किए जाने की संभावना है। टैक्स स्लैब में भी छूट की सीमा बढ़ा सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बनाएंगी अनोखा रिकॉर्ड। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सोनिया गांधी और खड़गे के घर हुई बैठक में अग्निवीर और नीच मुद्दा उठाने पर जोर। लोकसभा स्पीकर की विपक्षी नेताओं को सदन का माहौल न बिगाड़ने की नसीहत। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगाई फटकार। जनप्रतिनिधियों की न सुनने और काम में लेट लतीफी पर कहा कि ऐसी शिकायत फिर नहीं आनी चाहिए। थाने से तहसील तक नहीं हो रही थी सुनवाई। बादल फाड़ बारिश से गुजरात में हाहाकार। राजकोट, पोरबंदर, द्वारका और गिर सोमनाथ समेत आधा दर्जन जिलों में सैलाब आया। जूनागढ़ स्टेट हाईवे चापू में तब्दील हो गए।